जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पटवारी की जो एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात दोस्तों, क्या पाठ्यक्रम है, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, इस सभी के विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो बता दें, वह यह है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है। यहाँ पर हमें मुख्य विषय के रूप में पंचायती राज हटा करके एक विषय सामान्य प्रबंधन देखने मिल रहा है, और उससे भी बढ़ चढ़ करके दोस्तों 100 क्वेश्चन की जगह पर अब 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे सेगमेंट पे, सारे टॉपिक्स के पूरे कंटेंट पर वर्क करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या आने वाला है और क्या क्या महत्वपूर्ण है और पढ़ा कैसे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, हम सभी टॉपिक के बारी बारी से एक एक टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे यहाँ, और आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ दोस्तों, हम बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इस पाठ्यक्रम के साथ और उन खंडों के साथ कि आखिर क्या क्या आना है, ठीक है। तो यहाँ देखने मिल रहा है कि भाई हमारे 8 सेगमेंट है, 8 सब्जेक्ट, 8 टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई 8 विषय से आपका पेपर बनना है, पहली बात। दूसरी बात, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो मार्किंग है दोस्तों, वो कितने से है, तो 200 क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन 8 पर हम देखने जा रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या हमारे टॉपिक होने चाहिए, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट यहां पर है दोस्तों, ठीक है। बात की शुरुआत यहां हो रही है साइंस सेक्शन के साथ दोस्तों, विज्ञान के साथ। अच्छा, यहां पर आपको पहले ही बता दें, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ऐसे ख्यालात होते हैं कि यार पद कम है, ठीक है, महज 2700 पद हैं, तो देखिए मेरी बात आप समझिएगा, हमें तो केवल अपने एक पद से मतलब है भाई, ठीक है, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए है, हमें कौन सा वहां से 2-4 पोस्ट लेकर आनी है, हमें केवल एक पोस्ट अपने पद से मतलब है, इसीलिए तनाव नहीं लेना है। लड़ाई दोस्तों हमारी जैसी है वैसी सबकी है, ठीक है, सिलेबस हमारे लिए बड़ा है तो उनके लिए भी बड़ा है, अब हार मानकर बैठने में फायदा नहीं है, ठीक है, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ हम बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों विज्ञान के साथ, साइंस। साइंस का जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई 3 सेक्शन हैं यहाँ पर, ठीक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। अब बात की शुरुआत उस विषय के साथ और विषय के दोस्तों उस पुस्तक के साथ कि पढ़ें कैसे, क्योंकि समय कम है, समय बहुत विशेष भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर्याप्त समय है, लेकिन उतना भी नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा आप एनसीईआरटी वगैरह उठा लें, तो एनसीईआरटी उठाने का तो समय नहीं रह गया है साइंस सेक्शन से। अब हम ये देखें कि व्यापम कैसे पूछता है, तो व्यापम में दोस्तों हाल ही में देखने मिल रहा है, कॉन्स्टेबल में भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा साइंस में से बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है, अगर उसने 10 क्वेश्चन पूछे थे तो 10 में से आप देखेंगे ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो बायोलॉजी से थे। और बायोलॉजी में भी आपको बता दें, क्योंकि बायोलॉजी में दोस्तों 2 सेक्शन हैं, एक है बॉटनी वाला, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों जूलॉजी वाला, अर्थात एक है पादप जगत या वनस्पति जगत और एक है जीव जगत या जंतु जगत। तो यहां पर हमें कैसे अध्ययन करना है, तो आपके सामने दोस्तों इमेज भी आप इसमें देख सकते हैं, और यदि आपके पास लूसेंट है तो आप उसे भी उठा सकते हैं दोस्तों, और लूसेंट पे भी इसके विषय में जानकारी दी हुई है, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं जूलॉजी सेक्शन से सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले इसमें से उठाने हैं जो सेगमेंट दोस्तों जिनका अध्ययन करना है वो मानव से जुड़े हुए, जैसे मानव के दोस्तों जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आप उससे अध्ययन कीजिए, यानी मानव शरीर के तंत्र पूरे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, तो मानव के रोग आप कंप्लीट कीजिए, जितनी भी डिजीज वगैरह होती हैं ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बने हैं। आगे चलकर दोस्तों अगर हम रोगों के विषय में भी देखें तो बैक्टीरिया से होने वाले हो गए या फंगस या इत्यादि जो भी है रोग आप पढ़ सकते हैं। विटामिन सेक्शन यानी कि पोषण वाला अध्ययन जरूर करें, ठीक है, पोषण और पोषक पदार्थ ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी, तो ये पर्याप्त है, इतना यहां से ठीक है, बस थोड़ा सा इनमें डेप्थ में जाकर के। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि वनस्पति जगत में क्या करना है, तो आपको बता दें वनस्पति से जो प्रश्न उठे हैं वो एक डायग्राम दिया जाता है और उस डायग्राम के थ्रू पूछा जाता है, यानी कि अब यहां पर आपको लूसेंट से टॉपिक उठाने हैं, लेकिन लूसेंट ही नहीं, ठीक है, लूसेंट देखना है मगर वहां से टॉपिक उठा करके आपको क्या करना है, कुछ चीजों में थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, यानी एनसीईआरटी का भी सहयोग लेना है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो ये आपका यहां पर दोस्तों ऐसे आपको इनको कंप्लीट करना है, तो वनस्पति जगत में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बॉटनी में ध्यान दीजिए और जूलॉजी सेक्शन से ह्यूमन वाली बातें हो गई। केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं, इनमें से क्या काम करना है, तो कुछ पॉइंट हैं जिनमें ज्यादा वर्क करना है, परमाणु संरचना पढ़ सकते हैं, तत्वों का जो आवर्ती सारणी, ठीक है, जो एक आवर्त सारणी है दोस्तों उसे भी पढ़ें, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कार्बन और उसके यौगिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर दोस्तों ईंधन से संबंधित जो भी बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वाला भी यहां पर महत्वपूर्ण होगा, और इसके बाद यदि हम बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे, आप
इन्हें प्रॉपर तरीके से अध्ययन कीजिए। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर सबसे ज्यादा वो है केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं हैं आप उन्हें पढ़िए। तो केमिस्ट्री का सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स की, फिजिक्स के विषय में आपको बता दें फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये रहेगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें से न्यूमेरिक बनाएं, ठीक है। फिजिक्स के जैसे ही संभावना बने कि न्यूमेरिक बन सकता है उस फॉर्मूले पर वर्क करें, और सिंपल रहेगा, बहुत हाई लेवल पर नहीं जाने वाली चीजें आपके सामान्य ही रहेंगी, तनाव नहीं लेना आपको, बस आपको ये कि प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करें फिजिक्स में कि और क्या क्या है जो महत्वपूर्ण है फिजिक्स सेक्शन से पढ़ने के लिए, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है गति, मोशन, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण भी आप देख सकते हैं दोस्तों, दाब वाला सेक्शन भी है आपके पास में, ठीक है, उसे भी आपको देखना है। प्रकाश इंपॉर्टेंट है, प्रकाश से भी प्रश्न बनेंगे, संभावना पूरी है यहां पर। और आगे चलकर दोस्तों जो वन ऑफ द बेस्ट है और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई मिसलेनियस सेक्शन, विविध सेक्शन आपको कंप्लीट करना ही करना है। विविध के लिए दोस्तों लूसेंट ही पर्याप्त है, ठीक है, विविध साइंस का विविध, और इसके लिए सबसे बढ़िया है आप जितनी सारणियां दी हुई हैं, जितनी टेबल्स दी हुई हैं लूसेंट में आप उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और विविध में आपका यहां पर क्या क्या है, तो भाई वैज्ञानिक उपकरण है, विभिन्न यंत्र हैं, उनके आविष्कारक हैं, साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो महत्वपूर्ण है जो कि बायोलॉजी सेक्शन पर आपको मिल जाएंगी। तो ये तो हुई बात दोस्तों विज्ञान की, अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो विषय सूची आपके सामने है, आपका यहां पर जो फोकस करना है वो ये है कि हिंदी भाषा का विकास आप देखें, ठीक है। विकास के साथ में दोस्तों आगे हिंदी भाषा का जो भी संवैधानिक इतिहास है आप वो देख सकते हैं, और व्याकरण खंड ये कॉमन है आपको वो पढ़ना ही है, वो सारे चीजें अध्ययन करनी ही है हिंदी सेक्शन से। हिंदी में आप देखें हिंदी स्कोरिंग भी है, ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये है, अब हम हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर हिंदी में उतना भी डर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब कंप्लीट करना है, अर्थात संधि, सर्वनाम और रस, छंद, अलंकार, ये पूरा सेगमेंट आपके विलोम, पर्याय, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, ये है हिंदी। और हिंदी का आप जो है चूंकि समय कम है तो आप सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस नहीं किए जा सकते, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसे बढ़िया पूरे तरीके से कवर कीजिए। हिंदी बहुत आसान है, महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक शब्दावलियों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं मैथ की, जब बात की जाए यहां पर दोस्तों गणित की, तो गणित के दो पोर्शन आप कर सकते हैं, पहला एक सरल अंकगणित और दूसरा एडवांस सेक्शन, ठीक है। सरल अंकगणित की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपके सामने है चीजें आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहां पर सारा ये सेगमेंट महत्वपूर्ण है, नंबर सिस्टम से लेकर के आपके, ठीक है, संख्या पद्धति हो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो दोस्तों, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, ठीक है, रेशियो वगैरह से लेकर के एज रिलेशन दोस्तों, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, पार्टनरशिप, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सब हमें अध्ययन करना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई हमें सारी चीजों का अध्ययन करते हुए ये नहीं करना है कि बस एक में ही रह जाएं, लगभग सारी चीजें देखनी होंगी हमें, एवरेज, मतलब यहां हम कह सकते हैं कि हमें जो चीज हमारा वीक है उसे हमें एक एवरेज स्थिति पर लाना है, और जो हमारा दोस्तों ठीक है उसे थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है, जिसमें हमें लग रहा है हम स्कोर कर सकते हैं उसमें और बढ़िया करके आए, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। मैथमेटिक्स में आपको बता दें एडवांस सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एडवांस से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, एडवांस बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको बता दें ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर एग्जाम में भी कुछ नए क्वेश्चन तो देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तनाव नहीं लेना है, बस हमें ये करना है कि जितने और लोग कर रहे हैं, जितने और हमारे साथी वहां पर सॉल्यूशन ठीक ठाक कर पा रहे हैं, ठीक ठाक स्कोर कर पा रहे हैं, उतना हमें करना ही करना है, यानी जो सबसे बन रहा है वो हमसे भी बन जाए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों इंग्लिश की, इंग्लिश के विषय में सिलेबस आपके सामने है दोस्तों इंग्लिश का, यहां पर टेंस, मॉडल्स, ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, और इंग्लिश भी कॉमन है, जैसा कि सिलेबस में हमें देखने मिलता है हमें वो चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। वोकैब पे आप ज्यादा ध्यान दें, जो फोकस करना है वोकैब आपकी, ठीक है, और एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह होगा, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों स्पॉट द एरर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, यहां इंपॉर्टेंट है, अनसीन पैसेज से कुछ भी नहीं कह सकते अभी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस चीज को मेंशन नहीं किया है कि अनसीन पैसेज आना है या नहीं आना, यदि आ गया तो डेफिनेटली आपके 5-10 मार्क्स जो है वो और एक्स्ट्रा आपको मिलने ही मिलने का है वहां पर, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल होना ही है। इसके बाद स्पॉट द एरर पर आप ज्यादा ध्यान दें और वोकैब पर ध्यान दें। तो यहां पर दोस्तों हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है जो फर्स्ट पोर्शन है खंडा, और अब हम चलते हैं दोस्तों खंडबा यानी सेकंड की ओर, और यहां पर जो है वो है सबसे पहले जीके है, ठीक है, सामान्य ज्ञान, और बता दें यहां पर सामान्य अभिरुचि भी है, यानी अभी आप कह नहीं सकते हैं कि जीके की कैसी स्थिति रहने वाली है, अगर 25-25 भी हुए तो भी गारंटी नहीं है कि 25 क्वेश्चन जीके के मिलने मिलने, कुछ कम भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभिरुचि भी वहां पर ऐड किया गया है।
जीके के विषय में बता दे दोस्तों, देखिए जीके में क्या क्या है तो हम जानते हैं भाई, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपको बता दें, हिस्ट्री में देखिए एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है दोस्तों वो देना है आधुनिक, और इसके लिए लूसेंट पर्याप्त है। जीके के लिए आप आश्वस्त रहिए, आपके लिए लूसेंट पर्याप्त है, क्योंकि अब उतना सारे क्वेश्चन नहीं है वहां पर, 20-22 क्वेश्चन ही है, जिसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो आपको बता दें, देखिए एमपी जीके, आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश का जीके ना पढ़े कैसे संभव हो पाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा मध्य प्रदेश का जीके, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर कैसा होना चाहिए, तो करंट अफेयर में दोस्तों मध्य प्रदेश बेस्ड करंट अफेयर पे भी थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसे भी आप पढ़िए। स्पोर्ट्स सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खेल दोस्तों कैसा हो, करंट से जुड़ा हुआ हो, यह भी आपको पढ़ना है, और विविध से भी क्वेश्चन, यानी मौका लगा तो 3-4 क्वेश्चन विविध से, लूसेंट विविध से छपे छपाए मिलने वाले हैं, तो लूसेंट विविध भी आपको वहां पर देख के जाना है, ये आपके मुख्य हो गए, ठीक है। इकोनॉमी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज वाले जो करंट वाले जो क्वेश्चन हो, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, इकोनॉमी के भी जो थोड़े करंट, ठीक है, ग्रामीण हटा दिया गया है अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन पंचायती राज वाला, लेकिन एक दो क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और अब यहां आपको बता दें, हिस्ट्री में तो मॉडर्न जरूरी था, पॉलिटी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पॉलिटी सिंपल है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है पॉलिटी, ठीक है। ज्योग्राफी सेक्शन से आप चाहें तो वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना महत्वपूर्ण है, इंडियन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात हुई जीके की, और अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन से। देखिए कंप्यूटर में सामान्यतः जैसा हम पढ़ते चले आ रहे हैं वैसा ही पढ़ें, आप परीक्षा मंथन है दोस्तों उसे उठा सकते हैं, लूसेंट पब्लिकेशन से वो भी ले सकते हैं, पर्याप्त है, ठीक है। वहां पर आपको जो ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, जिन बिंदुओं पर, उनकी हम आपसे चर्चा कर दें यहां, तो यहां पर दोस्तों महत्वपूर्ण है एमएस ऑफिस पर आप ध्यान दें, एमएस एक्सेल पर ध्यान दें, शॉर्टकट की वगैरह उन पर ध्यान दें, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर ध्यान दें। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो करंट से क्वेश्चन हो, जो भी वेब ब्राउजर या किसी चीज को लेकर के कोई करंट का मुद्दा है, तो उसे आप जरूर देखें, मतलब करंट बेस्ड थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी करंट आपको लगभग देखने मिल सकता है और भी चीजों पर, ठीक है। अब बात की जाए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से तो करंट होगा नहीं, ठीक है, तो कंप्यूटर वाले सेक्शन से यदि कुछ है, कोई रोबोट या कोई और चीज है, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन भी वो कंप्यूटर वाले सेक्शन पे कुछ हद तक रख सकते हैं। तो यहां पर बात हुई दोस्तों कंप्यूटर की, जिसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड पर। और अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के विषय में दोस्तों बता दें कि ये आपका ऐसा सेगमेंट रहने वाला है जो डेफिनेटली आपका इसको ठीक ठाक कराएगा। वर्बल और नॉन वर्बल दो पोर्शन है दोस्तों इसके, सिलेबस आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी सेगमेंट इसी सेक्शन से ही सब कुछ आएगा। सबसे ज्यादा आप इसमें दोस्तों ध्यान दें, हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा सबसे कम कुछ भी नहीं, सारे टॉपिक के 2-2, 4-4, 10-10 क्वेश्चंस आप कमांड कीजिए, ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसे और ठीक कीजिए। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दें, व्यापम का एक ट्रेंड है दोस्तों मैथ और रीजनिंग को लेकर के, हो सकता है महीने भर एग्जाम चल रहे हैं तो 2-4 दिन लगातार वो 2-3 टॉपिक से दे दें, मान लीजिए कैलेंडर, डाइस और ऐसे टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है, और फिर 2-3 दिन बाद पता चले वो टॉपिक आ ही नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, कुछ और नए टॉपिक देखने मिल जाए, तो तनाव नहीं लेना है आपको, बस कमांड करके जाना है। ये बात हुई दोस्तों यहां पर रीजनिंग की। आगे हम बात करते हैं सामान्य प्रबंधन की। सिलेबस दोस्तों आपके सामने है सामान्य प्रबंधन का, यहां पर आप पाएंगे प्रबंधन का परिचय इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन के कार्य इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, आयोजन इंपॉर्टेंट है, जो भी लीडरशिप नेतृत्व ये महत्वपूर्ण रहेगा, अभिप्रेरण आप जरूर पढ़ें, ठीक है, अभिप्रेरण महत्वपूर्ण है, नियंत्रण ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्णयन, संगठन, बजट, लेखांकन, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों महत्वपूर्ण है, और अंततः दोस्तों विपणन प्रबंधन भी यहां पर महत्वपूर्ण है। तो प्रबंधन के ये टॉपिक हैं, आपको बता दें प्रबंधन नया सब्जेक्ट है, तनाव नहीं लेना है, मार्केट से जो भी बुक है आपकी आप वो उठा लीजिए, बाकी बुकें तो मैंने आपको बता ही दी हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है, लगभग बुकें बताई हुई हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बता दें दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर वर्क करने हैं, आप एमसीक्यू ज्यादा लगाइए, टॉपिक पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। और फिर उसके बाद दोस्तों एक अंतिम बात के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, और वह बात यह है, आपको केवल एक पद से मतलब है, आपकी लड़ाई एक पद की है, बस आपको वह पद चाहिए है, बात खत्म। और उसके लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, बस आप अपना प्रयास कीजिए, अंतिम समय तक जो है ढिलाई नहीं डालनी है, बस लगे रहना है, निश्चित तौर पर दोस्तों सफलता मिलेगी। तो ढेरों शुभकामनाएं, चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।